बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 उम्मीदवार होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है, वो आज है और कल भी रहेगा। जान बुझ के महाविकास आघाड़ी उनको ढकेल रही है। नहीं, देखिए पवार साहब को जो कहना है वो थोड़ा गलत तरीके से आपने सामने लाया है। पवार साहब विपक्षी एकता के लिए, मजबूती के लिए डटे रहे, काम करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 उम्मीदवार होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। बात रही महाराष्ट्र की, तो महाविकास आघाड़ी के उपप्रमुख नेता और मार्गदर्शक है, बहुत सीनियर लीडर है, और उनके लीडरशिप में, उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में, सोनिया जी के लीडरशिप में महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो गठबंधन है वो आज है और कल भी रहेगा। सर 2024 मान के चले कि डेफिनेटली रहेगा, डेफिनेटली। सर क्या ये जानबूझ के इस प्रकार से बीजेपी कोई षड्यंत्र? ये बीजेपी का षड्यंत्र। सर आज नीतीश कुमार जो है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मुलाकात करें एकजुट के लिए, ताकि अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं और हम भी जल्दी ही ममता जी से मिलने वाले हैं। नहीं बाकी असं आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छा नेहमी निश्चित असते, जागांचं वाटतं, त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही ते कसं सांगता येईल? देखिए आप जो बात होई नहीं रही है उसके बारे में पत्रकार करके पूछ रहे, अजीत दादा ने स्पष्ट किया है, मैंने भी स्पष्ट किया है कि अजीत दादा पिछले 3 महीने से ना मेरे से फोन पे बात हो चुकी है, ना कभी मिले हैं। उन नागपुर के अधिवेशन में मिले थे, अब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं महाराष्ट्र का, उनको पार्टी में पक्ष प्रवेश करना है तो कम से कम बात तो करेंगे, मिलेंगे तो। जब उनसे मेरी मुलाकात ही नहीं है, हमारे कोई नेता से वो मिले ही नहीं है, जान बुझ के महाविकास आघाड़ी उनको ढकेल रही है। तो उन्होंने कहा ना कि जब तक मैं मेरे जीवन के आखिरी के दम तक मैं राष्ट्रवादी में रहूंगा, ऐसा मुझे लगता है उन्होंने कहा है, तो उनके ऊपर अविश्वास क्यों हो रहा है? बार बार कौन कर रहा है अविश्वास उनके ऊपर, और उनको ढकेलने का काम कौन कर रहा है? उन्होंने जब स्पष्ट कर दिया और बार बार उनको ढकेलने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति को कितना परेशान करोगे आप? तो मुझे लगता है कि अजीत दादा आज तक ऐसी कोई भूमिका में नहीं है, उन्होंने भी कहा, हमारे पास भी यही जानकारी है।